मंगलवार को मांस खाने वाली बहू से परेशान सास। सुनीता के घर में उसका पति और एक बेटा था। वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन बस एक परेशानी थी। अनुराग, अनुराग। जी माँ। अरे तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ मैं बाहर जा रहा था, बोलो कोई काम? नहीं बस मैं बोल रही थी कि खाना तैयार है, तो बाहर जाने से पहले खाना खा ले। नहीं माँ, आज मेरा ये दाल सब्जी खाने का मन नहीं है, मैं तो बाहर कुछ नॉन वेज ही खा कर आऊंगा। ओहो फिर से। देख बेटा, मैं तुझे ये मांस मच्छी खाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन कभी भी घर में लाकर या फिर मंगलवार के दिन ये मांस मच्छी मत खाना। जानता हूँ माँ, आप यही कहोगी कि मंगलवार के दिन नॉनवेज खाने से कुछ अशुभ हो जाता है। अब मैं चलता हूँ माँ। अनुराग बाहर चला गया। सुनीता का परिवार बिल्कुल पक्का शाकाहारी परिवार था। उनके घर के खाने में लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगता था, लेकिन सुनीता का बेटा अनुराग ज्यादा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था और वो मांस खा लेता था। आज भी अनुराग अपने दोस्तों के साथ, जो उसकी ही तरह मांसाहारी थे, एक चिकन रेस्टोरेंट में गया और वहां जाकर मजे से अपना चिकन एंजॉय करने लगा। अगर हफ्ते में दो दफा चिकन न मिले तो जिंदगी ही बेकार है। अरे यार, लेकिन तेरे परिवार वाले तो पक्के शाकाहारी हैं। जानता हूँ, लेकिन इसीलिए तो मुझे घर के अंदर ये सब खाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह सभी दोस्त मजे से चिकन खाते हुए बातें बना रहे थे कि तभी अनुराग की नजर अपने सामने वाले टेबल पर पड़ी, जिस पर कुछ लड़कियां थी। ठीक अनुराग की सीध में बैठी हुई लड़की को जैसे ही उसने देखा, वो देखता रह गया। अरे भाई क्या हुआ, तू खा क्यों नहीं रहा है? हड्डी अटक गई है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अनुराग उस लड़की को देखे जा रहा था। वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, बस वही अनुराग के साथ भी हुआ। उस दिन के बाद रोज अनुराग उस चिकन रेस्टोरेंट में जाता। हालांकि वो मंगलवार के दिन कुछ भी मांसाहारी नहीं खाता था, लेकिन अनिका को देखने के बहाने से वो उस रेस्टोरेंट में चला गया। रोज रोज मिलने की वजह से अनिका और अनुराग में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे अनिका को भी अनुराग पसंद आने लगा। क्या आप भी किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? नहीं। तो क्या आपकी माँ नहीं है? अरे नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। क्यों? सॉरी, वो आप भी रोजाना बाहर का खाना खाते हो ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। अनिका की बातें अनुराग को अच्छी लगती थी। एक दिन मौका देखकर अनुराग ने अनिका से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अनिका को भी अनुराग पसंद था और फिर अनुराग ने अनिका के बारे में अपनी माँ से बात की। अगर अच्छी लड़की है और तुझे पसंद भी है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस हाँ वो शाकाहारी तो है ना। है? जी जी माँ, वो शुद्ध शाकाहारी है। तो फिर ठीक है। अनुराग ने सुनीता से झूठ बोल दिया। सुनीता के राजी हो जाने पर अनुराग ने अनिका से शादी कर ली और उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आया। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ सही ही चल रहा था। अनिका का जब भी मन होता तो वो अपनी सास से छिपकर बाहर जाकर किसी भी दिन नॉनवेज खा लेती। लेकिन एक दिन, माँ जी तो मंदिर गई हुई हैं, मेरा तो चिकन खाने के लिए जी मचला जा रहा है। एक काम करती हूँ, जोमैटो से आज तो घर पर ही चिकन मंगा लेती हूँ। लेकिन एक मिनट, आज तो मंगलवार है। अरे छोड़ो, माँ जी को थोड़ी पता चलेगा। अनिका ने अपनी सास की गैर मौजूदगी में मंगलवार के दिन चिकन ऑर्डर कर दिया। बस ये जल्दी आ जाए। अनिका बेसब्री से अपना ऑर्डर आने का इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर में उसका इंतजार खत्म हुआ और सुनीता के घर लौटने से पहले उसका चिकन आ गया। आहा, मेरा KFC चिकन, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनिका सब कुछ भुलाकर आराम से कूलर की हवा में बैठकर सॉस में डूबे स्पाइसी चिकन लेग पीस खा ही रही थी कि तभी सुनीता घर आ गई और अपनी बहू को नॉनवेज खाते देख उसकी आंखें फट गईं। बहू! जी 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 सासू माँ, तो तू मांसाहारी है? माँ वो, हाय मेरे फूटे करम, ये कैसी अनहोनी हो गई मेरे घर में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मांस खाने की, और वो भी मंगलवार को। माँ वो क्या, माँ वो अगर मैंने तुझे आज के बाद मेरे घर में चिकन खाते हुए देखा तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी। हाय तूने मंगलवार को मांस खा लिया, ना जाने अब मेरे घर में क्या अनहोनी होगी। माँ ऐसी सोच मत बनाइए, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। तू मुझे मत सिखा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। सुनीता ने गुस्से में अनिका को भगा दिया। इसी तरह से कुछ दिन बीते और एक दिन जब अनिका का ससुर नीरज काम से लौट रहा था,
उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई और वो वहीं मारा गया। नीरज जी उठो, आंखें खोलो। बाबा, अपने इस अपशगुनी मुंह से मेरे पति का नाम मत ले। तूने मंगलवार के दिन मांस खाया था ना, ये अनहोनी उसी वजह से हुई है। सुनीता अपने पति की मौत का पूरा इल्जाम बस अनिका पर डाल रही थी। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, होनी को अनहोनी का नाम दिया गया है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मांस खाने से ये सब होता है, तो मैं मंगलवार तो क्या कभी भी मांस नहीं खाऊंगी। अनिका ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन ससुर की मौत का इल्जाम तो उसके सर आ ही चुका था। अब नीरज की मौत हुए लगभग एक महीना बीत चुका था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। अनिका ने नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, अनिका सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पांव सीढ़ियों से फिसल गया और वो कमर के बल नीचे आकर गिर पड़ी। बहू, तू ठीक तो है, कड़ी हो। सुनीता ने जल्दी से उसे उठाया और पलंग पर लिटा दिया। अनिका को कमर में गुम चोट आई थी, जिसकी वजह से वो दर्द से करहा रही थी। आह, आह, रुक जा बहू, हिम्मत रख, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। सुनीता ने जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर ने आने के बाद अनिका का अच्छे से चेकअप किया। मेरी बहू ठीक तो है ना डॉक्टर? इनकी कमर की मांसपेशियां अंदर से डैमेज हो गई हैं। इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। जी, लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा अंडे खिलाओगी तो इनकी कमर की चोट बहुत जल्दी सही हो जाएगी। अंडे? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाऊंगी। देखिए, इंसान को दवा बतौर तो न जाने क्या क्या खाना पड़ जाता है। अंडे तो फिर भी खाने की ही चीज है। अगर आप चाहती हो कि आप जल्दी सही हो जाओ, तो दवाई समझकर कम से कम 2 अंडे रोज खाना। पर जी डॉक्टर, मैं इसे अंडे खाने को दे दूंगी। जी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर चला गया। माँ, आपने, हाँ तू सोच रही है ना कि मैंने क्यों कहा। बहू मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ज्यादा गलत थी, जो मांस खाना गलत समझती थी। और हर चीज के अपने फायदे हैं। भले ही हम मांस ना खाएं, लेकिन जो लोग खाते उन्हें खाने से रोकना गलत है। तेरे ससुर जी की मौत का इल्जाम भी मैंने तेरे ऊपर डाल दिया था, जिसके बाद से कभी भी मेरा मन सुकून में नहीं था। शायद ऊपर वाला भी मुझे यही बताना चाहता था कि मुझे उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ना कि अंधविश्वासों पर। आखिरकार माँ जी, आप समझ ही गई। हमें किसी से भी उसकी खुशी को छीनने का अधिकार नहीं, और अब से मैं तुझे भी मांस खाने से कभी नहीं रोकूंगी। उस दिन के बाद से सुनीता ने खुद अपनी बहू को हर रोज अपने हाथों से अंडे खाने को दिए और उसकी खूब देखभाल की। अनिका अंडे खाकर कुछ ही दिनों में हट्टी कट्टी हो गई और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। कोकिला के 3 बेटे थे, सुशांत, प्रीतम, सूरज। तीनों मुस्लिम लड़की जोया, रूबी, फातिमा से प्यार करते थे। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तीनों बेटे उन मुस्लिम लड़कियों से निगाह करके अपने घर के चौखट पर ले आते हैं। या अल्लाह सूरज, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, अम्मी जान ने नहीं अपनाया तो? तुम फिकर मत करो फातिमा, सब अच्छा होगा। लेकिन भाई, जब घर वालों को पता चलेगा उनके तीनों बेटे तीनों मुस्लिम बहू लाए हैं, तो ज्वालामुखी फटने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हो सुशांत, देखते हैं, शायद अम्मी जान, अबू जान और आप ही मान जाए। चलिए अंदर, मेरा तो दिल धक धक हो रहा है। तीनों बेटे घर पर दस्तक देते हैं और बहन शिवन्या घर का दरवाजा खोलती है और तीनों भाइयों को गले में वरमाला और उनके साथ की लड़की को हिजाब पहने देख शिवन्या जोर से चिल्लाती है। माँ, माँ जल्दी आइए, देखिए तीनों भैया घर पर आए हैं और किसको साथ में लाए हैं, जल्दी आइए माँ। अरे क्या हुआ, क्यों घर को सर पर इतना उठा लिया है, कहाँ है तेरे भैया? अरे सुशांत, प्रीतम, सूरज, तुम तीनों आ गए, और ये तीनों लड़कियां कौन है साथ में? भैया पहले आप बोल दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ से। मैं क्या बोलूं, तू बोलना सूरज। ये कहकर सुशांत दोनों भाइयों को धक्का मारता है तो कोकिला कहती है, ये क्या हो रहा है, तुम तीनों बताओगे मुझे? ओफो माँ, अभी तक आपको समझ नहीं आया है क्या? ये तीनों मुस्लिम लड़कियां आपकी प्यारी बहू हैं। क्या, ये तीनों मेरी बहू? ऐसा कैसे हो सकता है, तीनों एक मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से शादी कैसे कर सकते हो? अरे नाक कटवा दी तुमने मेरी, जानते नहीं हो क्या हम हिंदू हैं?
कम से कम ये तो सोच लेते कि समाज क्या कहेगा। माँ हमें माफ कर दीजिए, पर हम तीनों इन तीनों से प्यार कर बैठे और हमें 2 साल होने को आए हैं। आप अभी राजी नहीं होते, इसलिए हमने बिन बताई शादी कर ली। हाँ माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वैसे भी जात पात धर्म में क्या रखा है, इंसान का दिल से अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी तीनों बहू बहुत अच्छी हैं। अरे काय की अच्छी बहू, आसपास की गली मोहल्ले में हमारा तो सिर उठाकर चलना नामुमकिन हो जाएगा, सब थू थू करेंगे। पिताजी एक बार हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अबू जान कुछ नहीं तो आप बस हमें एक मौका दे दीजिए, अगर आप अपना लेंगे तो बाहर वाला हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप ही हमारा विरोध करेंगे तो हम बाहर वालों को भी चुप नहीं कर सकते। हाँ अबू जान प्लीज समझिए। अम्मी जान अबू जान हम तीनों बहनें आपको किसी गिला शिकवे का मौका नहीं देंगी। हे भगवान, भैया आपने बर्बाद कर दिया मेरे कितने अरमान थे कि मेरे तीनों भाई की शादी इतनी धूमधाम से हो, मैं दरवाजा रोक कर निकलूं, लेकिन मेरे तो क्या मेरे मम्मी पापा के भी अरमानों को डुबो दिया। अब तू क्यों जले पर नमक छिड़क रही है, तुम भले ही घर में आ जाओ लेकिन मैं तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं करूंगी, ना कभी दिल से अपनाऊंगी, समझे। इतना कहकर सब घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों बहू बेटी बहुत परेशान होते हैं। या अल्लाह जिसका डर था वही हुआ, अम्मी अब्बू आप ही तो हमारी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। पर हम कोई नहीं, हम धीरे धीरे उन्हें मनाएंगे ताकि वो हमें अपना लें। तीनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तीनों बहू जल्दी उठकर सुबह नमाज पढ़ती हैं, फिर रसोई में जाकर चाय बना लेती हैं और दूसरी काम कर रही होती है। फिर कमलेश उबासी के साथ उठकर अखबार पढ़ता है और कहता है, ओहो चाय कब आएगी, जब तक अखबार पढ़ते पढ़ते चाय ना पी लो चैन कहाँ आता है। अरे शिवन्या बेटा कोकिला जरा चाय तो लाओ। ससुर के ये कहते ही बड़ी बहू जोया अपने ससुर के सामने चाय का कप ले आती है। अबू जान ये लीजिए आपकी चाय, मुझे पता था अभी आपको चाय की ही जरूरत पड़ने वाली है। नहीं मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी है, और तुम्हें कैसे पता मुझे चाय चाहिए। अबू जान सुशांत जी ने मुझे आपकी खैरियत खबर दी है, और चिंता ना करें ये चाय है आपको कुछ भी अछूत नहीं लगेगा। आप अपनी तीनों बहू के हाथ से खाना खा सकती हैं, क्योंकि हमने मांस मछली खाना जब से ही छोड़ दिया है जब आपके बेटों से हम तीनों ने शादी करने का फैसला किया था। हाँ अबू जान खा लीजिए, हम आपको हमारा अबू जान कहना नहीं पसंद तो हम आपको पापा जी कह देते हैं, हम भी इंसान हैं, आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करिए। अरे तुम ठीक कहती हो, मुझे अपनी बहू को एक मौका तो दे देना चाहिए, लाओ चाय दो। अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे अपने हाथ के पकौड़े नहीं खिलाओगी। जरूर खिलाऊंगी अबू जान, ये लीजिए मेरा नाम फातिमा है। ठीक है बहू। आहा चाय तो बड़ी स्वाद बनी है और पकौड़े भी, जरा एक कप चाय और ले आओ। जी अबू जान। तभी कोकिला और शिवन्या कमलेश को देखकर अपने सर पर हाथ मारती हैं। हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, अरे सबर नहीं हो रहा था क्या, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ही ला रही थी। इन तीनों बहू ने अपना कमाल कर दिया पापा पर। बताओ तुम तीनों ने कौन सा झाड़ा मंत्र फूका है अपने ससुर पर। अम्मी जान ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। एक तो ये अम्मी जान बार बार मत बोला कर, और तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र रसोई में घुसने की। क्यों बहू को इतना सुना रही हो, एक बार बहुओं के हाथ की चाय पियो, बहुत कड़क चाय है और तीनों बहू नॉनवेज बहुत समय से नहीं खा रही हैं, तो बनाने दो। अरे अरे लगता है इन तीनों ने तुम पर जादू कर दिया है। दिन गुजर जाते हैं, तीनों मुस्लिम बहू रसोई में अब खाना बनाया करती थी। पहले तो दोनों सास और ननंद बहुओं के हाथ का खाना नहीं खाती थी, लेकिन फिर खाने से अच्छी खुशबू आने के बाद से दोनों कंट्रोल नहीं कर पाती, और फिर दोनों उनके हाथ का खाना तो खाती हैं पर बहुओं के खाने में नुक्स निकाल देती थी। आए हाय क्या खाना बनता है आपके घर में, तो बिल्कुल बकवास। मुझे भी ठीक नहीं लगा, अगली बार से बना तो नाप तोल कर बनाना मसालों से। ओफो तीनों बहुओं ने इतना बढ़िया खाना बनाया है फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, सुनाई नहीं दिया क्या क्या बोला है मैंने। सुन लिया माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तीनों बहू को बहुत बुरा लगता है,
पर कमलेश अपनी बहू का साथ देता था। एक दिन नंद छत से कपड़े लेकर आ रही थी कि सीढ़ियों से उसका पांव फिसल जाता है, जिसे उसके सर से बहुत खून बह जाता है और घर में कोई नहीं था। तभी तीनों भाभियां उसे अस्पताल ले जाती हैं, जहां उसका इलाज चलता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह, आप ही जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, दीदी होश में आ गई क्या? सर से बहुत खून बह गया है, वो अभी तक होश में नहीं आई है। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो कोमा में भी जा सकती है। अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके लिए दुआ पढ़ूंगी। जोया बाजी, आप घर वालों को बता दीजिए, वरना सब चिंता करेंगे। और मैंने इत्तला कर दिया है, किसी भी वक्त सब आते ही होंगे। फिर तीनों भाई और माता पिता हॉस्पिटल पहुँचते हैं। शिवन्या अभी भी होश में नहीं आई थी। जोया अपनी ननंद के पास ही बैठी थी, जबकि दोनों भाभियां वार्ड के बाहर दुआ पढ़ रही थीं। ये देखकर कमलेश कहता है, देखो हमारी बहू हमारी बेटी के लिए कितनी देर से दुआ पढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है उनकी दुआ काम आएगी। उनकी तरफदारी करना बंद कीजिए, क्या पता ये तीनों ही मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहती हो। माँ, आप इतना कड़वा कैसे सोच सकती है? 4 घंटे बाद ही शिवन्या को होश आ जाता है। घर के सभी लोग उसकी आंखों के सामने थे। तभी फातिमा अपने हाथ से पहले उसे दवाई खिला देती है। दीदी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए। देखा, आप तीनों की वजह से मेरी बहन होश में आ गई। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दुआओं और प्यार का नतीजा है ये। क्या मतलब? तीनों भाभी मेरे लिए इतना परेशान हो रही थी और आप ही मुझे यहाँ तक लाई। अगर आप नहीं लाती तो शायद मैं इस दुनिया में। अरे अरे, आप ही, ऐसा कुछ मत कहिए। अल्लाह के नूर से अब आप दुरुस्त हैं। अब तो सुन लिया ना तुमने सब कुछ। मुझे माफ कर दो मेरी तीनों बहुओं, मैं तुम्हें शुरू से बहुत गलत समझती थी, लेकिन तुमने मेरे घर को भी संभाल लिया और मेरी बेटी भी आज तुम्हारी वजह से सही सलामत है, वरना घर पर कोई नहीं था। मुझे समझ आ गया है कि जब इंसान का दिल और व्यवहार अच्छा हो तो उसे धर्म से नहीं आंकना चाहिए। अरे अम्मी जान, आप हमसे माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब तुमने मेरी तीनों बहुओं को अपना लिया है ना, तो उनके अच्छे से स्वागत करना। हाँ बिल्कुल पापा, मुझे तो नेक भी चाहिए तीनों भैया भाभी से। इस तरह से कोकिला और शिवन्या अपनी तीनों मुस्लिम बहुओं को अपना लेती हैं, जिसके बाद हिंदू तरीके से तीनों बहुओं को फिर से शादी होती है और उनका गृह प्रवेश कराती है उनकी प्यारी सास, और सास उनका घर में गृह प्रवेश करती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।